स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका। आइए चलते हैं वीडियो में वोल्टेज सर्किट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कितने तरह के वोल्टेज सर्किट्स हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन, ड्यूल मॉस्फेट, दो डायोड का कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले वोल्टेज सर्किट को आप देख लीजिए। सबसे पहले वोल्टेज सर्किट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अपना डीसी जैक हमने लगाया। यहाँ पर पहली कंडीशन, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका एक फ्यूज़ हो सकता है, फ्यूज़ का कॉम्बिनेशन। दूसरा अगर मैं बात करूँ फ्यूज़ के कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है ऐसे मॉस्फेट पे, 8 लैक्स के मॉस्फेट पर। 8 लैक के मॉस्फेट पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक आई सेंट्री कर रहा है ड्रेन से। अभी मैं एन चैनल पी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। 1, 2, 3 ये हो जाएगा क्या, गेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सोर्स, ये ड्रेन टू सोर्स। इसके बाद सेकेंडरी मॉस्फेट पे भी फिर क्या हो गया सारे, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से क्या हो गया, ये ड्रेन और यहाँ से यहाँ एंट्री हुई। इसके बाद एक और इसके बाद जो आउटपुट होगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ से फिर क्या हो गया, सोर्स। तो एक कंडीशन ये होती है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, CLR करंट लिमिटिंग रजिस्टर, यहाँ से ये पंप होके फिर पूरे मदरबोर्ड पे क्या होता जाता। कंडीशन नंबर एक ये है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये क्या है फिर आपका, सॉरी ये ड्रेन है, ये क्या है, सोर्स है, और ये गेट है। तो कई बार गेट से क्या होती है, गेट पर बायसिंग होती है। तो क्या करते हैं कि यहीं से जो वोल्टेज निकल रहा है वहीं से एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के, एक रजिस्टर लगा के यहीं पर क्या कर दिया जाता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया जाता है, अगर पी चैनल मॉस्फेट के थ्रू काम हो रहा है। तो पहली कंडीशन ये। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि अगर 19 वोल्ट आपका क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, 19 वोल्ट में अडाप्टर लगाते ही क्या हो रहा है, अडाप्टर की लाइट बुझ जा रही है। तो आपको क्या करना है, अडाप्टर लगाते ही अगर अडाप्टर की लाइट बुझ जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है। अडाप्टर की लाइट ब्लिंक हो रही है तो भी 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है। तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, वही हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि कंडीशन नंबर एक तो ये थी, दूसरी कंडीशन बना दूं, अच्छा पहले वो समझा दूं। तो सबसे पहले अगर हमारा वोल्टेज सर्किट में शॉर्टिंग है या अडाप्टर लगाते ही शॉर्टिंग आ रही, तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है कि जो CLR के बाद आगे सर्किट जा रहा है वहां पे शॉर्टिंग है। CLR के बाद कहां कहां जाता है, CLR के बाद जाता है VRM सर्किट में, CLR के बाद जाता है CPU सर्किट में, CLR के बाद जाता है RAM सर्किट में, CLR के बाद जाता है चार्जिंग सर्किट में, CLR के बाद जाता है आपका CPU, VRM, जितने भी सर्किट्स हैं सबके जो मेन मॉस्फेट होता है उसके ड्रेन पर जाकर क्या होता है, वोल्टेज बैठने का काम करता है। तो अब यहाँ पर अगर आपका ये अडाप्टर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ये अडाप्टर की लाइट बुझ जा रही है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये सेक्शन में दिक्कत है कि ये सेक्शन में दिक्कत है। तो कैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, कैसे इसको अलग करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस CLR को हटा देना है। CLR को हटाएंगे तो ये दो भागों में हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वोल्ट इन सेक्शन, वोल्ट आउट सेक्शन जो भी आप कहें, और एक ये हो जाएगा क्या, फिर यहाँ से जो आउट होके CLR के बाद सप्लाई आगे जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाद में समझाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखना। अब जैसे ही आपने अगर ये CLR को हटाया, CLR को हटाते ही अगर आपके अडाप्टर की लाइट क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये आपका ये दो मॉस्फेट, ये फ्यूज, और फ्यूज के साथ अगर कोई कैपेसिटर लगता ही अक्सर, तो ये कैपेसिटर अगर आपका लगा हुआ है तो मतलब क्या है, आपका ये चीजें सही है। अगर आपने CLR को हटाया उसके बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बाद भी अगर वही बैठो, इसके बाद भी अगर लाइट क्या हो रही, जलना बुझना, लाइट ब्लिंक हो रही, लाइट बंद हो जा रही, जूम करके ले भाई, तो इसका मतलब क्या है, आपका क्या है, ये खराब हो सकता है और आपका यहाँ इस सेक्शन में आपको दिक्कत मिलेगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमने CLR हटाया और लाइट प्रॉपर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, फिर इन पॉइंट ये जो ये सेक्शन है ये 100% ओके, प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपके इस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डीसी मशीन लेना है, डीसी मशीन से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक जम्पर मारना है और एक ग्राउंड करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सप्लाई देना है। तो वोल्ट और एम्पियर हम जैसे ही देंगे तो जिस सेक्शन में भी हीटिंग आ जाए उस सेक्शन पे कैपेसिटर 100 में से 90 बार नॉन पोलर कैपेसिटर क्या मिलते हैं, खराब मिलते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर आपका ये सप्लाई है, अभी इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बाद ये दो क्या लगे हुए हैं, मॉस्फेट लगे हुए हैं। अब जैसे अगर ये सेक्शन में मतलब अडाप्टर लगाते ही लाइट जले या दिक्कत करे, तो ये इसका CLR है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, इसको आप हटा दीजिए, दो पार्ट्स में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको हटाते ही अगर लाइटें प्रॉपर हो जाए तो प्रॉब्लम कहां पर है,
आउटपुट में। तो इस सीएलआर के बाद आपको जहां जहां 19 वोल्ट जा रहा है उन सेक्शनों पर क्या है प्रॉब्लम। तो यहां से हम डीसी मशीन लगा के 19 वोल्ट यहां से 19 वोल्ट मत डालिएगा, 5 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे करके बढ़ाइएगा। अगर आपने यहां से ज्यादा वोल्ट दे दिया तो 3-5 आईसी तुरंत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो यहां से आप जैसी वोल्टेज देंगे तो जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम है वहां पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आपको दिखने लगेगी। ये बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, बहुत प्राइमरी स्टार्टिंग है ये, ठीक है। अभी तो ये चीज आपको पहले याद रखना है कि किस तरह से आपको इसकी शॉर्टिंग को हटाना है। ये हो गई पहली कंडीशन, ये कंडीशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने यहां से सप्लाई ली, डीसी जैक लिया, यहां पर एक क्या मिल जाए आपको, कॉइल मिल जाए, कॉइल के बाद क्या मिल जाए आपको, यहां पर एक कैपेसिटर मिल जाए, इस तरह की भी चीजें हो सकती है। और फिर आपका एज इट इज सर्किट क्या हो जाए ऐसा, दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, यहां पर आपने लिया, यहां पर आपको फ्यूज मिला, फ्यूज के बाद आपको क्या मिला, यहां पर कैपेसिटर मिला इस तरह से, ये ग्राउंड है। फिर यहां पर आपको क्या है, वही का वही फंडा, ड्रेन सोर्स। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कंडीशन बता रहा हूं आपको। और ये सप्लाई क्या हो रही, आगे जा रही सीएलआर पे। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर एक क्या किया इन्होंने, एक और एक्स्ट्रा डायोड या ट्रांजिस्टर क्या कर दिया यहां पर, या मॉस्फेट भी लगा सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन ये। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहां पर क्या लगाया, फ्यूज लगाया, फिर आगे बढ़े यहां पर वही कैपेसिटर लगाया, और फिर आगे बढ़े ये कौन सा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है। इसके बाद यहां पर हमने फिर मॉस्फेट लगाए, मॉस्फेट लगाने के बाद हमने यहां पर सीएलआर पे लिया, सीएलआर के बाद अब हमने क्या किया, ये जो डायोड था कहां पे लगा दिया, जो आपका सेकंड मॉस्फेट था उस पे लगा दिया। चार कंडीशन हो गई। इसके बाद अगर मैं पांचवी कंडीशन की बात करूं, पांचवी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यहां से हमने लिया, यहां पर ये क्या कर लेते हैं, दो डायोड लगा लेते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, कॉमन एनोड कैमन कैथोड। और यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर इन्होंने 1, 2, 3, 4 और एक क्या लगा दिया, फिर वही का वही मॉस्फेट लगा दिया। तो 1, 2, 3 चौथी कंडीशन ये हुई, नहीं पांचवी कंडीशन होगी। एक फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अगर हम छठी कंडीशन की बात करें, यहां से इन्होंने लिया, कॉइल लगाई, कैपेसिटर लगाया, यहां पर फिर दो मॉस्फेट लगाए, इस तरह से आगे सप्लाई को बढ़ाया, और यहां पर क्या लगा दिया, एक कई बार क्या लगा देते हैं यहां पर, इसके बीच में एक जेनर डायोड क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट आ जाता है जिसे आपको क्या करना है, देखना है कि जेनर डायोड के थ्रू भी क्या होता है, इस तरह से चीजें होती हैं। और इसको क्या कर देते हैं फिर बाद में, ये यहां पर ग्राउंड कर लेते हैं। तो छठी कंडीशन ये है। सातवीं कंडीशन क्या करते हैं, ये कई बार जो पुराने लैपटॉप्स हैं, यहां पर आपका चला, यहां पर कॉइल चली, यहां पर 3 लैक्स का मॉस्फेट लगा लिया, ड्रेन, ड्रेन के बाद सोर्स, और यहां पर क्या लगा लिया, 8 लैक्स का मॉस्फेट लगा लिया, ये भी कंडीशन हो सकती है। आठवीं कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों 3 लैक्स के मॉस्फेट भी मैंने बहुत पुराने लैपटॉप्स में देखे, तो ये भी हो सकता है, यहां से यहां और यहां से आउट करके इसको क्या कर दिया, ग्राउंड। कितनी कंडीशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंडीशन ये हो गई। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती हो मैं बताता हूं सॉरी इसके बाद नवी कंडीशन क्या हो सकती है, क्या से फ्यूजेबल रजिस्टर, यहां पर कैपेसिटर, यहां पर क्या लगा दिया, एक मॉस्फेट के थ्रू भी क्या करा सकते हैं, कई बार ये काम करा सकते हैं, और एक क्या लगा दिया यहां पर डायोड या इस तरह की चीजें, ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ये 7-8 जो 9 कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आपको याद रखना है, और ये कंडीशंस भी ही आपको क्या करना है, ज्यादातर 99, 98, 90%, 80%, 90% ये मिलेंगे केस, 5%, 10% क्योंकि ये क्या है, अथाह चीज है, आप इसमें क्या होगा, आपको चेंजेस भी मिल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें आपको इसमें आपको मिलेंगी। कुछ और कंडीशंस आपको बता देता हूं कि क्या क्या मिल सकती है, वो भी चीज आप ध्यान से रखिए। ये तो क्लियर हो गया आपको, अब और चीज क्या हो सकती है, देखिए यहां पर ये लिया, यहां पर फ्यूजेबल रजिस्टर लिया, और यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर 8 लैक्स का मॉस्फेट लगा लिया, और 8 लैक्स के मॉस्फेट के बाद आगे क्या किया, यहां पर इन्होंने यहां पर दो कॉमन क्या लगा दिए, एनोड कैथोड का कंसेप्ट करके इसको आगे बढ़ा दिया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन कई सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो तो बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या बना रहा है। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर इन्होंने मान लीजिए कि यहां पर 8 लैक्स का मॉस्फेट ले लिया, यहां से आउट किया, और यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, फिर यहां, ये तो खैर मैं बता चुका हूं कि सेकेंडरी पे मॉस्फेट लगा के इस तरह से भी आउट कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक और पॉसिबिलिटी, एक और इसमें कंडीशन बनती है। इसके अलावा और एक और कंडीशन में अगर बताऊं आपको तो क्या होता है, देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, कॉइल लगाई, यहां पर कैपेसिटर लगाया,
कैपेसिटर लगाने के बाद क्या किया इन्होंने, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या किया, आपके यहाँ पर दो डायोड इस तरह से भी लगा सकते हैं, ऐसा ले लिया इन्होंने ऐसा, और यहाँ पर इसको कॉमन एनोड कैमोन कैथोड करके यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं 3 लैक्स में। तो ये कंडीशन भी आती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इस तरह से फिर सप्लाई को आगे बढ़ाकर यहाँ पर 8 लैक्स का मॉस्फेट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं 3 लैक्स का भी मॉस्फेट यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इतनी सारी कंडीशंस, इतनी सारी सिचुएशंस आपको वोल्टेज सर्किट पर मिलेगी। ये वोल्टेज सर्किट के बाद एक और कंडीशन बता देता हूँ ड्यूल मॉस्फेट की। अब ड्यूल मॉस्फेट पे मान लीजिए कि एक मॉस्फेट है, और उसकी कंडीशन बताता हूँ ड्यूल मॉस्फेट पर। कई सारे तरह के ड्यूल मॉस्फेट आते हैं, एक मॉस्फेट हम ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक, अब यहां पर क्या है 1, 2, 3, 4, और यहां पर क्या है 5, 6, 7 और 8। अब यहां पर एक को मान लीजिए कि गेट वन है, एक को मान लिया हमने गेट वन है, और दो और तीन को क्या मान लिया, मतलब ऐसी कंडीशन है कि ये क्या है सोर्स टू है। इसके अलावा जो चार नंबर है ये क्या है, चार नंबर क्या है, ये चार नंबर है गेट टू, ठीक है, ये सोर्स टू है और ये ग्राउंड भी होता है। इसके अलावा जो पांच नंबर है, पांच नंबर क्या है, पांच नंबर को मैं आपको बताता हूं कि पांच नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, इसको हम पहले नंबरिंग कर लें, एक दो तीन चार पांच 6 7 और 8। अब यहां पर क्या होगा कि ये सोर्स वन और क्या हो जाएगा, ये ड्रेन टू, ये हो जाएगा आउटपुट, और ये हो जाएगा आपका 8 नंबर से क्या हो जाएगा, सॉरी 5, 6, 7, ये आपका सोर्स वन और क्या है ड्रेन टू, और 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका ड्रेन वन, मतलब इनपुट। ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर वही चला कॉइल, वो चला क्या यहां पर कैपेसिटर, ये हुआ ग्राउंड, कहां जाएगा इन ड्रेन वन में, और आउट कहां से, इसमें आउट है 2 और 3 से। देखिए जितने गेट है, गेट के लिए अगर इन्होंने चार्जिंग आईसी पर अगर गेट के थ्रू कोई रजिस्टर है उससे बायसिंग कराई तो वो होगा, गेट टू गेट वन इस तरह से क्या होंगे आपके, ये किससे कनेक्टेड होंगे चार्जिंग आईसी से, और यहाँ पर ड्रेन से क्या हो रहा है इनपुट हुआ, और एस वन एस टू से क्या हो रहा है आउट हो रहा है। तो ये मॉस्फेट एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग देखिए 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4, और 4 के बाद काउंटिंग कहां से होगी 5, 6, 7 और 8, अगर ऐसे काउंटिंग है तो 5, 6, 7 और 8। तो इसमें देखिए जो आपका 5, 6 और 7, ये जो है 5, 6 और 7, ये क्या हो गया आपका सोर्स वन ड्रेन टू है, ये हो गया आउट। इसके बाद 8 नंबर क्या हो जाएगा इनपुट, अगर यहां गलती है तो इसको करेक्ट कर लेना इनपुट। इसके अलावा 8 नंबर क्या है, 8 नंबर इनपुट है। इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद जो गेट नंबर वन है वो एक नंबर है, वो गेट वन हो गया। इसके बाद आपका 2 और 3 ये क्या है S2 सोर्स टू, जो क्या होगा ग्राउंड होगा। इसके बाद क्या होगी आपकी कहानी, ड्रेन वन इनपुट हो गया और S1 S2 आउट हो गया, तो ये इनपुट या आउटपुट और गेट वन, और 4 नंबर क्या है यहाँ पर, 4 नंबर है गेट टू, ठीक है, और ये गेट सारे काहे से कनेक्ट होंगे, गेट वन गेट टू चार्जिंग से कनेक्ट होंगे। इनपुट कहां से होगा 8 नंबर से, तो ये इनपुट कहां आएगा 8 नंबर पे। आउटपुट कहां से होगा, आउटपुट होगा आपका S1D2 से, और S2 क्या हो जाएगा ग्राउंड हो जाएगा। तो ड्यूल मॉस्फेट के कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज याद रखना, ये करीब 11वीं 12वीं कंडीशन है। तो ड्यूल मॉस्फेट पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आगे बनाऊंगा ड्यूल मॉस्फेट कितने तरह के आते हैं 8 लैक्स के। अगर उसमें 3 आउटपुट है तो 2 क्या होंगे 2 उसमें क्या होंगे इनपुट होंगे। तो ये आपको पॉसिबिलिटीज याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीजें, सबसे पहले आपको पकड़ना है इसमें से ग्राउंड को हटाना है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड को हटा लेते हैं यहाँ पर। तो ये रखा हमने यहाँ से ग्राउंड को सबसे पहले पकड़ा, तो ग्राउंड के लिए देखिए बज रहा है, तो अब सप्लाई देखिए ये यहां से गई, ये फ्यूज लगा है, ध्यान से देखो इसको जूम करो इसी पे लो, ये फ्यूज लगा है,
फ्यूज के बाद कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, तो देखिए फ्यूज के बाद कहाँ जा रहा है, इस पे जा रहा है। इसके बाद कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये कहाँ इन हो रहा है, ये यहाँ से इसके बाद ये कहाँ जा रहा है, करंट सेंस रजिस्टर पे। करंट सेंस रजिस्टर के बाद कहाँ जाएगा, ये सारे ड्रेन मॉस्फेटों पे पहुंच जाएगा। अब बोल्ट इन सेक्शन में शॉर्टिंग, बोल्ट इन सेक्शन ओपन, बोल्ट इन सेक्शन में चार्जिंग आईसी से दिक्कत, ये सारे स्टेप्स आपको क्या करने पड़ने। इसी तरह से हम लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो सबकी क्लासेस लेते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ एडमिशन देते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉच।